Good afternoon, all of you. Myself Sanat Kumar Pandey, lecturer Electronics Engineering, Government Polytechnic Lucknow. आज हम network filters and transmission line नामक subject में two port network discuss कर रहे हैं, जो कि lecture number 6 है इस series का. तो आइए discuss करते हैं, start करते हैं आज का lecture. तो आज का lecture में basically हम लोग जो है वो classification of network पढ़ रहे थे. उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिकल नेटवर्क हम लोगों ने देखा था, और आज हम लोग उसी सीक्वेंस में प्रॉपर्टीज ऑफ असिमेट्रिकल नेटवर्क के बारे में चर्चा करेंगे. तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लास्ट टर्न पे जो देखा था कि किसी सिमेट्रिकल नेटवर्क की आपकी दो प्रॉपर्टीज हुआ करती थी. एक आपका होता था कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जेड नॉट और प्रोपगेशन कॉन्स्टेंट गामा. कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस बेसिकली हमें एक आइडिया देता था कि अगर हमारा नेटवर्क सिमेट्रिकल है तो हम जो उसके आउटपुट पे इम्पीडेंस कनेक्ट करते थे वही वैल्यू जो है वो आफ्टर द कैलकुलेशन हमको इनपुट साइड में अगर मिलती थी तो हम बोलते थे दिस इम्पीडेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड एट द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ दिस सर्किट. ठीक है, फिर वहीं पे हम लोग प्रोपगेशन कांस्टेंट के बारे में देख रहे थे. प्रोपगेशन कांस्टेंट में हमने देखा था कि जो हमारा इनपुट करंट या वोल्टेज होता था उसका आउटपुट करंट या वोल्टेज से जब हम रेशियो लेते थे तो एक हमें रेशियो जो प्राप्त होता था वो ई टू द पावर गामा से जो है वो रिलेशन होता था इसका. तो हमने वहां पे सीखा था कि कैसे आपका इनपुट करंट और आउटपुट करंट या इनपुट वोल्टेज या आउटपुट वोल्टेज जो है वो कैसे प्रोपगेशन कांस्टेंट के थ्रू जो है वो कोरिलेट होता था. ठीक है, फिर यहीं से हमने इसके कुछ सर्किट की एनालिसिस देखी थी कि कैसे हम लोग जो है वो गामा कैलकुलेट करते थे, और गामा बेसिकली होता था कि जो है वो टू आइडेंटिटीज से मिलके बना होता था, अल्फा एंड बीटा. ठीक है, अल्फा को बेसिकली हम लोग एटेन्यूएशन कांस्टेंट के नाम से जानते थे और बीटा आपका फेज शिफ्ट कांस्टेंट होता था. ठीक है, जब भी हम किसी टू पोर्ट नेटवर्क में किसी सर्किट में बात करते हैं कि हमारा सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट हो रहा हो, तो अगर हम टू पोर्ट नेटवर्क की बात करें तो उस नेटवर्क में इनपुट पोर्ट से आउटपुट पोर्ट तक पहुंचने में कितना हमारा सिग्नल जो है वो डिसिपेट हो गया, ठीक है, एटेन्यूएट हो गया, उसी को जो है हम फाइंड आउट करते हैं अल्फा से. और अल्फा किसी पर्टिकुलर सर्किट की जो है वो प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है कि पर्टिकुलर सर्किट जो है किसी इनपुट जो आपका आइडेंटिटी है जो आपका सोर्स के थ्रू आपने करंट या वोल्टेज अप्लाई किया है सिग्नल इनपुट पे उसमें कितना एटेन्यूएशन होता है इसके मेजर को हमें शो करता है. ठीक है, और वहीं पे बीटा आपने देखा था कि जब भी आपका कोई सिग्नल इनपुट से आउट ट्रांसमिट हो रहा हो तो ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन उस सिग्नल के फेज में कितनी शिफ्टिंग होती है जो कि उस पर्टिकुलर नेटवर्क के द्वारा प्रोवाइड की जा रही होगी, हम उसको फेज शिफ्ट बीटा के द्वारा रिप्रेजेंट करते थे. और कैसे अल्फा बीटा किसी सर्किट में जो है वो एनालिसिस के दौरान इफेक्टिव थे, हम उनका भी अध्ययन लास्ट लेक्चर्स में कर चुके हैं. आपने मैथमेटिकल एनालिसिस जो है वो प्रोपगेशन कांस्टेंट की थी, तो आपने देखा था कि किसी एक बड़े लेडर नेटवर्क को हम लोग छोटे छोटे नेटवर्क के फॉर्म में उसकी एनालिसिस करते हैं. ठीक है, पर यूनिट नेटवर्क जैसे हो सकता है वो आपका टी नेटवर्क हो या सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क हो, तो एक किसी बड़े लेडर के फॉर्म को हम लोग छोटे छोटे फॉर्म में क्लासिफाई करते हैं और उसकी केवीएल या केसीएल के माध्यम से एनालिसिस करते हैं और करंट के हम लोग रेशियोज फाइंड करते हैं और सभी हर एक यूनिट के लिए करंट इनपुट करंट और उसका जो आउटपुट करंट का रेशियो होगा वो हमेशा कॉन्स्टेंट होगा. अगर हम कैसी सर्किट की सिमेट्रिकल नेटवर्क के सेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, और वो किसके बराबर होगा, ई टू द पावर गामा के, जहां पे गामा आपने देखा कि प्रोपगेशन कांस्टेंट होता था. ठीक है, और अगर हम उसी सेक्शन में कोई छोटा सा उसका पोर्शन लेके उसके एनालिसिस करें तो आई एस अपॉन आई वन इज इक्वल टू आई वन अपॉन आई टू, जहां पे आई वन एंड आई टू जो है आउटपुट पोर्ट पे वो उस प्रत्येक जो हमारा यूनिट नेटवर्क है उसके आउटपुट पे जो करंट मिलता था वो होता था, और आई एस मतलब सोर्स करंट जो आपको नेटवर्क के इनपुट पे प्रोवाइड किया, और आई वन क्या है दूसरे जो यूनिट सोर्स आपने लिया उसके इनपुट पे जो आपने करंट प्रोवाइड किया
उसकी वैल्यू होती थी, और दोनों का जो रेशियो होता है दैट इज ईड पावर गामा, वेयर गामा इज द प्रोपगेशन कॉन्स्टेंट। ठीक है, और प्रोपगेशन कांस्टेंट जनरली दो चीजों पे डिपेंड करता था, अल्फा एंड बीटा पे, जहां पे अल्फा क्या था, एटेन्यूएशन कांस्टेंट था, इट रिप्रेजेंट लॉस ऑफ सिग्नल एनर्जी ड्यूरिंग प्रोपगेशन थ्रू द नेटवर्क इन टर्म्स ऑफ द मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसकी यूनिट आपको ध्यान रखनी है, दैट इज नेपर्स में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और फेज शिफ्ट जो आपका था, फेज शिफ्ट कॉन्स्टेंट को हम बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे थे, एंड इट रिप्रेजेंट चेंज ऑफ फेज ऑफ द सिग्नल ड्यूरिंग इट्स प्रोपगेशन थ्रू नेटवर्क। ठीक है, इसको हम रेडियंस में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये अभी तक का जो कॉन्सेप्ट हमने ये डिस्कस किया, ये लास्ट टर्म पे हम लोग बेसिकली इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम अपने आप को स्विच करते हैं अनदर फॉर्म ऑफ द टू पोर्ट नेटवर्क विच इज सिमेट्रिकल नेटवर्क। ठीक है, तो आज के बेसिकली हम लेक्चर में अपने आप को असिमेट्रिकल नेटवर्क की तरफ जो है वो मूव करेंगे, और सीखेंगे कि असिमेट्रिकल नेटवर्क की एनालिसिस के दौरान हमको कौन कौन सी आइडेंटिटीज को जो है उनका अध्ययन करना होता है। ठीक है, तो असिमेट्रिकल नेटवर्क हैव डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस। पहली चीज कि जो आपका नेटवर्क होगा उसमें जो आपका Z1 Z2 मतलब सीरीज के जो हमारे इम्पीडेंसेस हैं और शंट के जो इम्पीडेंसेस हैं, कुछ ऐसा नेटवर्क फॉर्म करेंगे कि उसमें जो इनपुट पे अगर हम कोई भी इम्पीडेंस लगा दें तो आउटपुट पे हमको उसके बराबर जो है इम्पीडेंस नहीं मिलेगा। जैसा हम लोग सिमेट्रिकल नेटवर्क में देख रहे थे कि आपने लोड की वैल्यू Z0 पुट करी थी तो इनपुट पे भी आपको Z0 मिल रहा था, तो हम कहते थे Z0 इज अ कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ दिस टू पोर्ट नेटवर्क। बट इन केस ऑफ द असिमेट्रिकल नेटवर्क दीज टाइप ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इज एबसेंट। ठीक है, दीज प्रॉपर्टीज आर नॉट फाउंड इन द असिमेट्रिकल नेटवर्क। यहाँ जो हमारा वो नेटवर्क होता है उस पे इनपुट इम्पीडेंस आउटपुट इम्पीडेंस दोनों डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जब हम टू पोर्ट नेटवर्क में असिमेट्रिकल नेटवर्क को एनालिसिस करते हैं, तो वहां पे भी हमें कुछ करंट और वोल्टेज और के फॉर्म के जो कोरिलेशंस निकालने होते हैं, और हम बेसिकली उसको टू पोर्ट असिमेट्रिकल नेटवर्क की प्रॉपर्टीज का अध्ययन करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कुछ यहाँ पे हमने जैसे इटरेटिव इम्पीडेंस क्या होता है असिमेट्रिकल नेटवर्क में, ये आज डिस्कस करेंगे। इमेज इम्पीडेंस क्या होता है ये भी देखेंगे। इमेज ट्रांसफर कांस्टेंट एंड इटरेटिव ट्रांसफर कांस्टेंट, ये सारी जो करेक्टरिस्टिक्स कोफिशियंट्स हैं कांस्टेंट हैं असिमेट्रिकल नेटवर्क के, हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं इटरेटिव इम्पीडेंस। ठीक है, तो फॉर अ टू पोर्ट असिमेट्रिकल नेटवर्क इटरेटिव इम्पीडेंस इज डिफाइंड एज द इनपुट इम्पीडेंस मेजर्ड एट वन पेयर ऑफ टर्मिनल व्हेन द अदर पेयर ऑफ टर्मिनल इज टर्मिनेटेड विथ एन इम्पीडेंस ऑफ द सेम वैल्यू। ठीक है, अब इसकी जो डिफिनीशंस है थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रही होगी, लेकिन आप इसको समझिए एक एक बातों को। तो कह क्या रहा है, इसका कहना है कि अभी तक जैसे हम टू पोर्ट सिमेट्रिकल नेटवर्क में डिस्कस करते थे कि आउटपुट पे हमने Z0 कैलकुलेट कर दिया तो इनपुट पे हमें Z0 मिला, तो हम कहते थे Z0 इज इट कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। यहाँ के केस में हम इनपुट इम्पीडेंस पे जो भी इम्पीडेंस हो हमारा इनपुट इम्पीडेंस इस तरीके का कुछ हम चूज करें कि अगर सेम वैल्यू के इम्पीडेंस को हम आउटपुट पे कनेक्ट कर दें तो जो हमारी आउटपुट पे जो इम्पीडेंस की वैल्यू मिले वो अगर सेम हो तो इसको हम बोलते हैं क्या, इटरेटिव इम्पीडेंस। डिफिनीशन को एक बार फिर से गौर करिए कि फॉर अ टू पोर्ट नेटवर्क फॉर अ टू पोर्ट असिमेट्रिकल नेटवर्क, इस लाइन को ध्यान दीजिएगा, इटरेटिव इम्पीडेंस इज डिफाइंड एज द इनपुट इम्पीडेंस। ठीक है, पहले तो ये इनपुट इम्पीडेंस है मेजर एट वन पेयर ऑफ टर्मिनल when other pair of terminal is terminated and impedance of the same value। ठीक है, ऐसा इंपीडेंस, ठीक है, जिसकी वैल्यू जो हम दूसरे पोर्ट पे आउटपुट पे इंपीडेंस कनेक्ट कर रहे हैं उस वैल्यू के बराबर आएगी, जबकि हमारा नेटवर्क ऐसा है असिमेट्रिकल नेटवर्क।
तो ऐसा फाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम एक कोई जो है वो वैल्यू सेलेक्ट करेंगे और उस वैल्यू के रिगार्डिंग क्या करेंगे, आउटपुट पोर्ट पे जो हमारा जो है इम्पीडेंस है उसको हम चेक करेंगे, अगर जो है वो इसके बराबर होगा ठीक है तो हम बोलेंगे कि हमारा इनपुट इम्पीडेंस कैसा है, इटरेटिव इम्पीडेंस है ठीक है। अभी इसको हम सर्किट की एनालिसिस में और अच्छे से समझेंगे। इट मे बी डिफाइन एज द इम्पीडेंस विच विल टर्मिनेट द अदर टर्मिनल इन सच अ वे दैट द इम्पीडेंस मेजर एट द फर्स्ट पेयर ऑफ टर्मिनल इज इक्वल टू द टर्मिनेटिंग इम्पीडेंस ठीक है। आइए इसकी एनालिसिस के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि बेसिकली जो हमारा इटरेटिव इम्पीडेंस है वो है क्या ठीक है। तो इटरेटिव इम्पीडेंस की हम जैसे प्रॉपर्टी के बारे में हमने चर्चा किया ठीक है, तो इटरेटिव इम्पीडेंस आर डिफरेंट फॉर टू पेयर ऑफ टर्मिनल्स ठीक है। अगर हम किसी पर्टिकुलर नेटवर्क में एक पोर्ट को इनपुट पोर्ट मानते हैं और दूसरे पोर्ट को आउटपुट पोर्ट मानते हैं और एक उस सर्किट की हम अगर एनालिसिस करते हैं ठीक है, सेम काम अगर हम टर्मिनल को एक्सचेंज करके, मतलब जिसको पहले हमने इनपुट पोर्ट लिया था अब उसको अगर हम आउटपुट पोर्ट की तरह और जो पहले हमारा आउटपुट पोर्ट था उसको हम इनपुट पोर्ट की तरह मान के फिर से सर्किट की एनालिसिस करें, तो जो हमारा इटरेटिव इम्पीडेंस की वैल्यूज होंगी वो दोनों कॉन्फ़िगरेशन के लिए अलग अलग होंगी ठीक है। पहला कॉन्फ़िगरेशन कौन सा था जिसमें हमने किसी एक पर्टिकुलर पोर्ट को इनपुट और एक को आउटपुट की तरह जो है वो ट्रीट किया, और दूसरे जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन था उसमें हम उसको रिवर्स को अगर हम एनालिसिस करें तो आप देखेंगे कि दोनों की जो इटरेटिव इम्पीडेंसेस की वैल्यूज होती हैं दोनों कंडीशंस में, दोनों कॉन्फ़िगरेशन के दोनों अलग अलग आती हैं ठीक है। फिर ईच सिमेट्रिकल नेटवर्क हैज टू इटरेटिव इम्पीडेंस टर्म्स एट ZT1 एंड ZT2 ठीक है। अब कोई भी असिमेट्रिकल नेटवर्क होगा ठीक है, असिमेट्रिकल नेटवर्क है तो जैसा हमने अभी आपको बताया कि दो कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होंगे ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास जो डायग्राम है इसमें देखिए, हमने मान लीजिए इसको एक इनपुट पोर्ट ले लिया फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन का ठीक है, ये आपका पहला कॉन्फ़िगरेशन है, इसको हमने इनपुट पोर्ट ले लिया ZT1 जिधर हमने कनेक्ट कर रखा है ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं कि इसको हमने क्या लिया, जिधर हमने ZT1 लिया इसको हमने भी, इसको हम आउटपुट टर्मिनल की तरह जो है क्या ट्रीट कर रहे हैं ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा क्योंकि जो हमारा ये नेटवर्क है ये कैसा है, असिमेट्रिकल नेटवर्क है, तो असिमेट्रिकल नेटवर्क में की बेसिक करेक्टरिस्टिक आपने देखा था कि होता क्या था कि जब इनपुट इम्पीडेंस आउटपुट इम्पीडेंस के बराबर ना हो या सीरीज और संट जो इम्पीडेंसेस हैं ठीक है वो इस तरीके से हो कि वो आपस में एक सिमेट्री फॉर्मेट ना करते हो, तो ऐसे जो है नेटवर्क को बेसिकली हम लोग जो है असिमेट्रिकल नेटवर्क के नाम से जानते थे। अब इस कंडीशन में जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट है इसमें हमने आउटपुट पोर्ट पे ZT1 को कनेक्ट किया ठीक है, और इस ZT1 की वैल्यू को हम हिट एंड ट्रायल मेथड से ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करें कि जब हम इनपुट साइड पे इसके इम्पीडेंस को कैलकुलेट कर रहे हो, ये ZT1 हमने यहाँ कैलकुलेट कनेक्ट नहीं किया है, हम ऐसी ZT1 की वैल्यू को आउटपुट पोर्ट पे सेट करें कि हमारा इनपुट पोर्ट पे जो इम्पीडेंस की वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाए, जो वैल्यू हमने आउटपुट पोर्ट पे कनेक्ट की है दैट मीन्स ZT1 के बराबर आ जाए, तो हम इस नेटवर्क को बोलेंगे क्या, असिमेट्रिकल नेटवर्क का इटरेटिव इम्पीडेंस प्रॉपर्टी है ये ठीक है। फिर यही जो हमने सेकेंड कॉन्सेप्ट जो डिस्कस किया ठीक है, अब हम दूसरे जो हमारा सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन है हम उसकी बात करते हैं ठीक है। सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन में जैसा मैंने आपको बताया कि अब हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा पहले इनपुट पोर्ट था कॉन्फ़िगरेशन वन में उसको हम एज अ आउटपुट पोर्ट की तरह क्या करें, ट्रीट करें ठीक है। जो हमारा आउटपुट पोर्ट था अब हम उसको इनपुट पोर्ट की तरह ट्रीट करें, और जो हमारा पहले आउटपुट पोर्ट था अब उसको हम ऐसा इनपुट पोर्ट की तरह ट्रीट करें ठीक है।
मतलब दिस वन बिकम एज अ इनपुट पोर्ट, ठीक है। जस्ट कॉन्फ़िगरेशन वन का हम अपोजिट बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां क्या करना है कि अब हम हमारा जो इनपुट पोर्ट है उस पर हम कोई एक इंपीडेंस ZT2 कैलकुलेट कर दें और ZT2 की वैल्यू को हम ऐसा वैल्यू चूज करें, ऐसी वैल्यू चूज करें कि जब हम इस साइड से, मतलब आउटपुट अभी तक जिसको हमने लिया था फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में, अब उसको एज अ इनपुट कॉन्फ़िगरेशन की तरह ट्रीट करें और इधर से हम इसके इंपीडेंस को कैलकुलेट करें, तो हम पाएंगे कि इधर के भी इंपीडेंस की वैल्यू जो हमने आउटपुट पोर्ट पे ZT2 कैलकुलेट करी थी उसके बराबर आ जाए, मतलब ZT2 के बराबर आ जाए। तो हम ऐसी जो ZT2 की वैल्यू, अब ZT2 की वैल्यू हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को लेके इस पे चेंजेस करके शिफ्ट करेंगे और मैच करेंगे जिस ZT2 के वैल्यू पे हमारा इनपुट इंपीडेंस की वैल्यू भी ZT2 के बराबर ही आ जाए, तो ऐसी पर्टिकुलर ZT2 की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, इटरेटिव इंपीडेंस, ठीक है। अब जो हम बेसिक आपको बात यहाँ पे बताने वाले थे कि ZT1 और ZT2 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। अलग अलग का मतलब क्या हो गया कि जब हम कॉन्फ़िगरेशन 1 माने थे तो इनपुट पोर्ट पे हमने क्या किया था, ZT1 मेजर किया, जब हमने ZT1 को आउटपुट पोर्ट पे कनेक्ट किया था तो एक वैल्यू हमको इनपुट इंपीडेंस, जिसको हम इटरेटिव इंपीडेंस के नाम से जानते हैं। फिर हमने कॉन्फ़िगरेशन 2 में क्या किया, अदला बदली कर दी पोर्ट की, यहाँ पर हमने इनपुट साइड पे हमने ZT2 कैलकुलेट किया और आउटपुट की तरफ से जो हमारा पहले आउटपुट टर्मिनल था उधर से हमने इंपीडेंस कैलकुलेट करी, और ऐसी ZT2 की वैल्यू जब ZT2 इनपुट साइड और आउटपुट साइड में दोनों की इंपीडेंसेस की वैल्यू सेम हो जाए तो ऐसी ZT2 की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, इटरेटिव इंपीडेंस। और असिमेट्रिकल नेटवर्क की हम बात करें तो जो हमारा ZT1 की वैल्यू होगी और ZT2 की वैल्यू होगी, मतलब कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने पे जो हमारे इटरेटिव इंपीडेंस हैं आपस में बराबर नहीं होंगे, दोनों क्या होंगे, डिफरेंट वैल्यूज हमें फाइंड करनी पड़ेगी दोनों कंडीशन में, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इटरेटिव इंपीडेंस का कॉन्सेप्ट सीखा, इटरेटिव इंपीडेंस है क्या और इसका जो है किसी सिस्टम की, किसी टू पोर्ट नेटवर्क की एनालिसिस करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब आज के लेक्चर में हम आगे जो सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है असिमेट्रिकल नेटवर्क के रिगार्डिंग, दैट इज इंसर्शन लॉस। इंसर्शन लॉस क्या होता है, द इंसर्शन लॉस ऑफ अ नेटवर्क इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ नेबर्स आर डेसिबल्स बाय विच द सिग्नल पावर इज रिड्यूस्ड बाय द इंसर्शन, ठीक है। Whenever a passive network is inserted between an energy source and load, it generally produces a loss in received power. समझिएगा होता क्या है insertion loss, ठीक है। अभी हमने जो है वो propagation constant gamma की value पढ़ी थी, ठीक है। Gamma की value में हमने देखा था कि हमारे पास दो identities थी, ठीक है। गामा की अगर हम बात करें तो गामा को हम रिप्रेजेंट करते थे कैसे, अल्फा प्लस जे बीटा से, ठीक है, अल्फा प्लस जे बीटा, ठीक है। अब अल्फा को जो हम बोलते थे कि अल्फा आपका क्या होता था, अल्फा बेसिकली होता था क्या, एटेन्युएशन कांस्टेंट, ठीक है, एटेन्युएशन कांस्टेंट, और इसकी यूनिट क्या होती थी, नेपर्स। तो हम इंसर्शन लॉस की अगर बात करते हैं तो यहां जो बेसिकली मेन रोल होता है वो अल्फा का होता है। हम कह रहे हैं कि किसी नेटवर्क में, ठीक है, किसी नेटवर्क में जब हमने सिग्नल को अप्लाई किया, ठीक है, तो क्या हुआ, सिग्नल पावर रिड्यूस होगी जब हमारा सिग्नल कहां पहुंचेगा, आपका आउटपुट पोर्ट तक पहुंचेगा, ठीक है। तो कितनी पावर रिसीव हुई इसी की जो एनालिसिस है, इसी का जो मेजरमेंट है, वो हमें क्या देगा, इंसर्शन लॉस की वैल्यू देगा। और जैसा कि मैंने बताया था कि जब हम किसी सिग्नल के एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड में अटेन्युएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, अल्फा का रोल होता है। अल्फा क्या होता था आपका, अटेन्युएशन कांस्टेंट होता था, और कितना पार्ट ऑफ द कंप्लीट सिग्नल पावर को इसने
एटेन्यूएट कर दिया है उसी का एक मेजरमेंट जो होता है उसको हम इंसर्शन लॉस के नाम से जानते हैं। और हम यहाँ डेफिनेशन में भी देख रहे हैं कि किसी नेटवर्क में नंबर ऑफ नेपर्स, कितने नेपर रिड्यूस हुए या लॉस हो गए उस नेटवर्क में ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंसर्शन लॉस। ठीक है, और यहीं पे आपने देखा था कि जो है कि एक पैसिव नेटवर्क की बात करें तो व्हेनेवर अ पैसिव नेटवर्क इज इंसर्टेड बिटवीन एन एनर्जी सोर्स एंड लोड इट जनरली प्रोड्यूसेस अ लॉस इन रिसीव्ड पावर। ठीक है, जब भी किसी पैसिव नेटवर्क क्या होते हैं, वह नेटवर्क जो स्वतः जो है वो पावर या एनर्जी का उत्सर्जन नहीं करते हैं। जैसे अगर हमारा कोई नेटवर्क सिंपल रजिस्टर या कैपेसिटर के यूज करके उनकी एक जो है आर्किटेक्चरल डिजाइन से अगर फ्रेम किया गया हो, तो ऐसे नेटवर्क में क्या है, स्वतः पावर जो है इंड्यूस करने की क्षमता नहीं होती है। मतलब ये किसी सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनके अंदर एम्पलीफाई करने की क्षमता नहीं होती है। इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, या तो ये पूरी पावर, अगर आइडियल केस की बात करें, जीरो रेजिस्टेंस की बात करें, तो पूरी की पूरी पावर ये क्या करेंगे, रिसीवर से ट्रांसमीटर से रिसीवर पे शिफ्ट कर दें, अदरवाइज ये कुछ पार्ट ऑफ द पावर को क्या करेंगे, डिसिपेट कर देंगे, एटेन्यूएट कर देंगे। ठीक है, तो पैसिव नेटवर्क वह नेटवर्क होते हैं जिनमें स्वतः जो है एम्पलीफिकेशन की कैपेबिलिटी नहीं होती है, तो जो पावर हम उसके इनपुट पे अप्लाई करते हैं उस पावर का कुछ पोर्शन डिसिपेट हो जाएगा, और आफ्टर द डिसिपेशन जो हमको पावर आउटपुट पे प्राप्त होगी, हम उस पावर को जितनी पावर सेंड किए थे उसमें से अगर माइनस करेंगे। ठीक है, अगर हमने इनपुट पे पीआई पावर अगर हमने भेजी है, ठीक है, अगर इनपुट पे हमने पीआई पावर भेजी है और आउटपुट पे हमको जो पावर रिसीव हुई वो क्या हुई, पी नॉट हुई, अगर इन दोनों का हम डिफरेंस ले लें तो क्या हमको ये पता चल जाएगा कि कितनी पावर हमारी इस सर्किट के में ड्यूरिंग द सिग्नल के प्रोपगेशन के दौरान जो है लॉस हो गई है। तो इस तरीके से हम पावर लॉस निकाल लेंगे। और अगर कोई ट्रांसमिशन लाइन के टर्म में बात करें तो ट्रांसमिशन लाइन के फॉर्मेट में अगर हमको ये पता हो कि हमारा जो टोटल ट्रांसमिशन लाइन है उसकी लेंथ इतनी है और टोटल लेंथ से हम उसको डिवाइड कर दें तो क्या पावर पर यूनिट लेंथ हमको मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम किसी सर्किट के एनालिसिस में पावर पर यूनिट लेंथ निकाल सकते हैं, पावर कितनी लॉस हुई है। अगर हमारा नेटवर्क असिमेट्रिकल नेटवर्क है तो वहां ऐसे लॉस को हम इंसर्शन लॉस के नाम से जानते हैं। और कोई भी पैसिव नेटवर्क होगा, अगर वो असिमेट्रिक नेटवर्क है या सिमेट्रिक नेटवर्क होगा, दोनों केसेस में जो हमारा एनर्जी सोर्स और लोड के बीच में जो पावर का ट्रांसमिशन होता है उस दौरान कुछ पोर्शन ऑफ द पावर आपकी लॉस होती है, और असिमेट्रिकल नेटवर्क के केस में हम इसी को इंसर्शन लॉस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी और भी कॉन्सेप्ट हम लोग जब पढ़ेंगे टू पोर्ट नेटवर्क के कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंसेस के बारे में और उसके टू पोर्ट नेटवर्क के जो पैरामीटर्स होते हैं उनकी एनालिसिस करेंगे, तो इन चीजों को हम और अच्छे समझ पाएंगे कि आखिर इन सब जो पैरामीटर्स हम लोग पढ़ रहे हैं इनका रोल क्या है किसी नेटवर्क में। ठीक है, तो नेटवर्क की एनालिसिस जब हम करेंगे नेटवर्क के पैरामीटर के भी यहाँ पे, तो वहां पे ये सारे कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, तो इसी में हम आगे अगर बात करें इंसर्शन लॉस की, तो इंसर्शन ऑफ अ पैसिव नेटवर्क इंट्रोड्यूसेस रिडक्शन इन आउटपुट वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, जब पावर लॉस हो रही है, सिग्नल का जो है वो कुछ कंपोनेंट लॉस हो रहा है, तो जनरली क्या होगा, वोल्टेज और करंट भी डिग्रेड हो रहा होगा। ठीक है, दिस रिडक्शन इन आउटपुट वोल्टेज एंड करंट इज टर्म्ड एज इंसर्शन लॉस एंड इज मेजर्ड इन नेपर्स एंड डेसिबल्स। ठीक है, इसी को हम जो वोल्टेज या तो इनपुट पोर्ट पे हम लोग करंट सोर्स अप्लाई करेंगे या वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे, करंट या वोल्टेज सोर्स को अप्लाई करने के बाद जब हम लोग केवीएल या केसीएल के थ्रू एनालिसिस करेंगे तो हमको क्या होगा, आउटपुट पे वोल्टेज और करंट और इनपुट पे वोल्टेज और करंट क्या हमने भेजी थी दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब उनकी एनालिसिस के बिहाफ पे हम लोग क्या कर लेंगे,
फाइंड आउट कर लेंगे कि कितना हमारा करंट का लॉस हुआ या कितना हमारा वोल्टेज का लॉस हुआ, और इसी के मेजरमेंट को भी हम इंसर्शन लॉस के नाम से जानते हैं, जो कि नेपर्स या डेसिबल्स में जो है वो मेजर किए जाते हैं। ठीक है, इंसर्शन लॉस नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन द नेटवर्क बट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन सोर्स एंड लोड इम्पीडेंसेस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये लाइन आपकी सर्किट एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि इंसर्शन लॉस नॉट ओनली डिपेंड ऑन द नेटवर्क, ठीक है, बट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन सोर्स एंड लोड इम्पीडेंसेस। जब भी हम कोई नेटवर्क है हमारा और उस नेटवर्क के इनपुट पोर्ट पे, ठीक है, कोई वोल्टेज या करंट सोर्स लगा कनेक्ट करते हैं, तो होता क्या है कि बेसिकली उस वोल्टेज सोर्स और उस करंट सोर्स में क्या होगा, कुछ इम्पीडेंस होगा। ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है सोर्स की, ठीक है, उसका फेज एंगल कितना है, उसका जो है एम्पलीट्यूड कितना है पावर का, बहुत सारी चीजों पे भी डिपेंड करता है हमारा इंसर्शन लॉस। साथ ही साथ जो आपने लोड कनेक्ट किया है, लोड इम्पीडेंस जो कनेक्ट किया है उस पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब किसी नेटवर्क से मैक्सिमम पावर का ट्रांसमिशन करने की कंडीशन की हम बात करते हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, जितनी हम इनपुट पे पावर ट्रांसमिट करें उसका मैक्सिमम पोर्शन जो है हमें आउटपुट पे क्या हो, रिसीव हो, तो ऐसी कंडीशन में हम नेटवर्क की एनालिसिस करते हैं, तो इस थ्योरम को हम बोलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। और उसमें आपने देखा था कि इम्पीडेंस मैचिंग का बहुत रोल होता है। जब हमारा इनपुट इम्पीडेंस या हमारा आउटपुट इम्पीडेंस जो हमारा टोटल नेटवर्क का इम्पीडेंस है उसके साथ मैचिंग में होगा, तो हमारी क्या होगी, टोटल पावर ट्रांसमिशन जो हो रहा होगा वो मैक्सिमम पार्ट ऑफ द पावर की आपकी जो है वो आउटपुट तक ट्रांसमिट हो पाने में सफल हो पा रही होगी। ठीक है, जो हमारा लॉसेस होंगे वो कम हो रहे होंगे। ठीक है, बट इन जनरल हम अगर सर्किट्स में बात करते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि चूंकि हमने पैसिव नेटवर्क जनरली यूज कर रहे होते हैं, पैसिव नेटवर्क में क्या है, जब रेजिस्टेंस के थ्रू कोई करंट बहेगा तो आप जानते हैं कि कुछ ना कुछ पावर क्या होगा, डिसिपेशन जरूर होगा, कुछ पावर रेडिएट हो जाएगी। ठीक है, क्या होगा कि जैसे जैसे हमारा करंट जो है उसके रेजिस्टेंस से बहेगा तो कुछ ना कुछ जो है वहां पर क्या पावर जरूर उत्सर्जित होगी, और वो पावर क्या होगा, हो सकता है कि हमारे रजिस्टर को हीटअप करने में वेस्ट हो जाए या एटमॉस्फेयर में रेडिएट हो जाए। ठीक है, तो पैसिव नेटवर्क के केस में ये सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती हैं कि हमारा जो पावर सिग्नल का था वो पूरी पावर क्या है इनपुट पोर्ट से आउटपुट पोर्ट पर नहीं पहुंचती है। वहीं पे फिर कॉन्सेप्ट आता है कि इम्पीडेंस मैचिंग कैसे कराएं कि मैक्सिमम पावर हमारी जो इनपुट पोर्ट है वहां से आउटपुट पोर्ट तक सक्सेसफुली पहुंच जाए। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीजों का जो हम एनालिसिस करते हैं, तो वही क्या है बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन पे, जब हम बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन जो है दूर दूर तक बिछाते हैं, तो वहां भी इन कॉन्सेप्ट का हमको ध्यान रखना होता है कि हमारी जो पावर है या जो हमारा मान लीजिए वोल्टेज या करंट ही की बात करें, तो मैक्सिमम जो है हमारा पोर्शन जो है वो ट्रांसमिशन सब स्टेशन से जो आपका रिसीवर है, मतलब जहां हम रिसीव कर रहे हैं, या जनरेशन जहां पावर जनरेट हो रही है वहां से जो आपका सब स्टेशन है वहां तक विदाउट एनी लॉस पहुंचे, तो उसके लिए हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं इम्पीडेंस मैचिंग के। वहीं आप देखेंगे स्टब मैचिंग क्या होता है, फिर वहीं शंटिंग क्या होती है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं जब हम किसी नेटवर्क की एनालिसिस करते हैं। अभी उस बड़ी ट्रांसमिशन लाइन का हम छोटे पोर्शन का अध्ययन कर रहे हैं टू पोर्ट नेटवर्क के फॉर्मेट में। ठीक है, और ऐसी हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रांसमिशन लाइन आएंगे एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है उसकी एनालिसिस करनी होगी कि किस क्वालिटी का हम जो है वायर यूज करें, ट्विस्टेड लें, ट्विस्टेड लेते हैं तो क्यों ट्विस्टेड लेते हैं, उन दोनों के बीच में गैपिंग कितना होनी चाहिए। ठीक है, और इनके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कितना बनेगी, बहुत सारी चीजों का हमको ध्यान रखना होता है। उन सारे कॉन्सेप्ट को हम इसी बेसिक अपने जो टू पोर्ट नेटवर्क का लेक्चर है इसी से सीखेंगे, और बड़ी से बड़ी ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग इसको अप्लाई करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो है कॉन्सेप्ट जो है इंसर्शन लॉस का। ठीक है, तो इंसर्शन लॉस में आपने देखा,
अब इंसर्शन लॉस हम कैलकुलेशन की बात करते हैं, ठीक है, इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस की अगर बात करें तो कोई भी टू पोर्ट नेटवर्क आप ले लीजिए, ठीक है, और असिमेट्रिकल नेटवर्क हो, ठीक है, असिमेट्रिकल नेटवर्क हो, तो अब हमें ये जरूरत नहीं है कि यहाँ पे हमारा जो अंदर टू पोर्ट नेटवर्क के अंदर जो कनेक्शन है वो कैसे अरेंजमेंट है, टी नेटवर्क है, पाई नेटवर्क है, असिमेट्रिकल है, तो किस टाइप से हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, ठीक है, ये एज अ ब्लैक बॉक्स इसको हम जो है ट्रीट करें, और फिर यहाँ पर हम देखें कि जो हमारा लोड इम्पीडेंस है, ठीक है, इसको हमने कहाँ कनेक्ट कर दिया, आउटपुट पोर्ट पर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो हमारा फर्स्ट टर्मिनल है जिसको हम इनपुट पोर्ट बोल रहे हैं, वहां पे हमने क्या कर दिया, एक यहाँ पे भी लोड हमने कनेक्ट किया जिसको हम ZS से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ZS क्या है आपका, सोर्स पे जो इम्पीडेंस है, और बेसिकली जो सोर्स का इम्पीडेंस होता है, जो हम करंट या वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर रहे होते हैं अपने टू पोर्ट नेटवर्क के से, वो बेसिकली उसका इम्पीडेंस होता है, और जो लोड इम्पीडेंस हम कनेक्ट करते हैं वो बेसिकली जो आउटपुट पे हमारा इम्पीडेंस है, जिसपे हमें बेसिकली जो है वो जिसके अराउंड जो है करंट या वोल्टेज हमको मेजर करना होता है वो होता है, और इसकी वैल्यू हम इस हिसाब से सेलेक्ट करते हैं कि वही हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट हो या मैक्सिमम जो है हमारा सिग्नल जो है वो रीच कर पाए आउटपुट पोर्ट पे, ठीक है। अब जब हमने यहाँ माना कि मान लीजिए कोई हमारा करंट सोर्स कनेक्ट हो, और करंट सोर्स कनेक्ट होगा तो जो हमारा ये पोर्ट 1 and 1' है, इसके रिगार्डिंग जो आपका वोल्टेज होगा दैट इज V1, ठीक है। इसी तरह आउटपुट पोर्ट पे जो आपका लोड है, लोड के जो रिगार्डिंग वोल्टेज होगा इसको हम लोग V2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इनपुट पोर्ट का जो हमारा इनपुट वोल्टेज है V1 होगा, और आउटपुट का जो हमारा वोल्टेज होगा V2 होगा, और इनपुट पोर्ट से जो हमारी करंट इंटर कर रही होगी दैट इज I1, और आउटपुट पोर्ट पे जो करंट आउट हो रही होगी दैट इज I2, ठीक है। अब इस कंप्लीट सर्किट की एनालिसिस करेंगे KVL और KCL लगा के, ठीक है, सिंपल सा है। अगर आप यहाँ KVL या KCL दोनों मेशेस पे लगाएंगे तो आपको I1 I2 की अगर वैल्यू दी है तो आप ZS और ZL कैलकुलेट कर लेंगे, या ZS ZL दिया होगा तो आप एक इक्वेशन बनाएंगे, और आपके पास अननोन और नोन वेरिएबल्स के हेल्प से आप जो आपको आइडेंटिटी नहीं जो है फाइंड आउट होगी वो आप उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे किसी सर्किट में हम सिस्टम में इम्पीडेंसेस कनेक्ट करते हैं, और कैसे जो है अब इसका इंसर्शन लॉस निकालना होगा। तो जैसे आई यहाँ पे करंट बह रहा था और यहाँ पे लोड ये है, तो ठीक है, तो I2R जो है यहाँ पे पावर का हमारा जो रीच हो रही होगी, और ऐसे जो हम यहाँ से पावर भेजेंगे उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, और दोनों का जो है जो हम डिफरेंस लेंगे तो वही हमारा क्या होगा, इंसर्शन लॉस, पावर लॉस हो जाएगा। यहाँ I1 क्या है, लोड करंट विदाउट इंसर्शन ऑफ द नेटवर्क, जब हमने इंसर्शन जो है वो किया है तब, और I2 क्या है, लोड करंट आफ्टर इंसर्शन इन द नेटवर्क, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे सर्किट्स में हम करंट और वोल्टेज के बिहाव पे इसकी एनालिसिस करते हैं, और मैंने बताया जैसे ZS आपका क्या है, सोर्स इम्पीडेंस, और ZL क्या है, लोड इम्पीडेंस। तो इस तरीके से हम वेरियस इम्पीडेंसेस की वैल्यूज को फाइंड करेंगे जिसपे हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट हो, और किसी सर्किट में हम प्रयास कर देंगे कि इंसर्शन लॉस हमारा कम से कम आए। वो टोटली किस पे डिपेंड करेगा कि हमने क्या पावर, क्या पैरामीटर्स, पैसिव कंपोनेंट जो हमने लिए हैं, और जो लोड या सोर्स हमारा है उनकी क्या वैल्यूज हैं कि हमारा पावर लॉस कम से कम आए, ठीक है, इंसर्शन लॉस कम से कम हो किसी सर्किट में। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने इंसर्शन लॉस और इम्पीडेंस के कॉन्सेप्ट को सीखा, और टू पोर्ट नेटवर्क में हम इसको अप्लाई करेंगे। अब इसी को लॉगरिथमिक फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यही जो I1 I2 का रेशियो होता है, इसी को बेसिकली हम लोग इंसर्शन लॉस ऑफ द नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है, और इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करें अगर, तो इंसर्शन लॉस होता है 20 log base 10 I1/I2, और इसको dB में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अगर इसको बेस 10 में ना रिप्रेजेंट करके बेस E में करते हैं तो log बेस E I1/I2 का मॉड क्या होता है, ये आपका जो है नेपर्स होता है, ठीक है, नेपर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से आपने इंसर्शन लॉस का जो है वो रिप्रेजेंटेशन देखा। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं, थैंक यू, और कॉन्सेप्ट हम लोग अगले लेक्चर में सीखेंगे, धन्यवाद।